हम लगातार आपको विधानसभा सीटों के चुनावी समीकरण के बारे में बता रहे हैं। पिछली कड़ी में हमने बात की थी किशनगढ़ विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे पाली विधानसभा सीट के बारे में। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। पाली शहर कपड़ा उद्योग के नाम से जाना जाता है, यहाँ कई बड़े बड़े कपड़े के मील है। पाली जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती है, ये क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पाली जिले की कई विधानसभा सीटें परंपरागत रूप से बीजेपी जीतती आ रही है। बीजेपी के ज्ञानचंद पारख इस सीट से लगातार पिछले 5 विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो वही कांग्रेस पिछले 38 साल से सीट पर अपना खाता खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां 2,48,969 मतदाता थे, जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद पारख को 75,480 वोट देकर जिताया था, तो वही कांग्रेस उम्मीदवार भीमराज भाटी के खाते में 56,094 वोट आए थे और उन्हें 19,386 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। वही अगर बात करें 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की, तो इस बार इस सीट पर लगभग 2,72,553 मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस बार होने वाले चुनाव में कांग्रेस ने भीमराज भाटी को मैदान में उतारा है, तो वही बीजेपी ने हर बार की तरह इस बार भी अपना भरोसा कायम रखते हुए ज्ञानचंद पारख पर दाव खेला है। अब बात करते हैं यहाँ के जातिगत समीकरण के बारे में। पाली विधानसभा सीट पर SC/ST जाति के वोटर्स की संख्या करीब 50,000 के आसपास है, मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 25,000, ब्राह्मण वोटर्स की संख्या करीब 25,000 और सीरवी समाज के वोटर्स की संख्या करीब 10,000 है, जो किसी भी प्रत्याशी की हार जीत तय करती है। 1980 में 33 साल पहले सीट से कांग्रेस पार्टी के माणक मेहता अंतिम विधायक चुने गए थे। 1985 और 1990 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी से पुष्पा जैन विधायक ने जीत हासिल की थी। फिर 1993 में यहां से निर्दलीय उम्मीदवार भीमराज भाटी ने जीत हासिल की, लेकिन इसके बाद 1998 से लगातार बीजेपी के विधायक ज्ञानचंद पारख इस सीट से जीत हासिल करते आ रहे हैं। अब देखने लायक ये होगा, क्या 1985 में सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस क्या इस बार यहाँ वापसी कर पाएगी या नहीं। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।